BB11DC नड़िनवे 83 नंबर की यह बुलैरो पिकअप। इस गड्डी दे विच तुहाडी सेहत दे नाल खिलवाड़ करन दे लई पनीर लियांदा गया। पनीर नहीं नकली पनीर जो तुहानू ते तुहाडे परिवार नू बीमार करन दे लई काफी है। नकली पनीर की यह खेप 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरी 500 किलो है जो पूरे शहर की सेहत बिगाड़न दे लई काफी है। दरअसल गऊ रक्षक दल दे वल्लों यह जानकारी मिली सी कि हरियाणा तो आ रही इस पिकअप दे विच नकली पनीर लियांदा जा रहा है, जिस तो बाद उन्होंने वल्लों इसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती गई। जो सुबह यह गड्डी पकड़ी असी मौके पर 4 क्विंटल पनीर इन्हें उतारते हैं किसी दुकान से, 1.5 क्विंटल इस गड्डी पिया है। 100-150 रुपए किलो के हिसाब नाल यह बेचते हैं, अगे दुकानदार 400-400 रुपए किलो बेचते हैं। जब मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त, मैं कह रहा जिमें 14 साल की कैद होंगी 302 च, इन्हों के खिलाफ भी 14 साल की कैद होनी चाहिए। ते जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची ते गड्डी समेत पनीर नूं जब्त कर लिया। खाण पीन के समान दे विच मिलावट होण दा इह मामला गंभीर है। खाने दे विच मिलावट दे चलदियां कई लोग बीमारियां दा शिकार हो रहे ने, पर कुछ पैसों दे लालच च कुछ लोग मिलावट करन तों बाज नहीं आ रहे, जिन्हां दे खिलाफ सख्त एक्शन लैण दी जरूरत है। राजपुरा तों अमरजीत पन्नू दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। BB11DC नड़िनवे 83 नंबर की यह बुलैरो पिकअप। इस गड्डी दे विच तुहाडी सेहत दे नाल खिलवाड़ करन दे लई पनीर लियांदा गया। पनीर नहीं नकली पनीर जो तुहानू ते तुहाडे परिवार नू बीमार करन दे लई काफी है। नकली पनीर की यह खेप 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरी 500 किलो है जो पूरे शहर की सेहत बिगाड़न दे लई काफी है। दरअसल गऊ रक्षक दल दे वल्लों यह जानकारी मिली सी कि हरियाणा तो आ रही इस पिकअप दे विच नकली पनीर लियांदा जा रहा है, जिस तो बाद उन्होंने वल्लों इसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती गई। जो सुबह यह गड्डी पकड़ी असी मौके पर 4 क्विंटल पनीर इन्हें उतारते हैं किसी दुकान से, 1.5 क्विंटल इस गड्डी पिया है। 100-150 रुपए किलो के हिसाब नाल यह बेचते हैं, अगे दुकानदार 400-400 रुपए किलो बेचते हैं। जब मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त, मैं कह रहा जिमें 14 साल की कैद होंगी 302 च, इन्हों के खिलाफ भी 14 साल की कैद होनी चाहिए। ते जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची ते गड्डी समेत पनीर नूं जब्त कर लिया। खाण पीन के समान दे विच मिलावट होण दा इह मामला गंभीर है। खाने दे विच मिलावट दे चलदियां कई लोग बीमारियां दा शिकार हो रहे ने, पर कुछ पैसों दे लालच च कुछ लोग मिलावट करन तों बाज नहीं आ रहे, जिन्हां दे खिलाफ सख्त एक्शन लैण दी जरूरत है। राजपुरा तों अमरजीत पन्नू दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।